राजस्थान में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 गारंटी का ऐलान किया है। वो कॉन्फ्रेंस से बाहर भी नहीं निकले थे कि बीजेपी के चुनावी वॉर रूम में उन्हें काउंटर करने की तैयारी हो गई। गारंटी का जवाब तैयार हो चुका था। एक टीम गारंटियों को झूठ बताने वाले फोटोग्राफिक बनाने में लग गई। ऐसा ही वॉर रूम कांग्रेस के ऑफिस में भी चल रहा है। एक टीम बीजेपी नेताओं के भाषणों के पुराने वीडियो निकाल रही है ताकि उनके बहाने पार्टी को निशाने पर लिया जा सके। दोनों पार्टियों के हाईटेक वॉर रूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से चल रहे हैं। वॉर रूम की जिम्मेदारी सोशल साइट एक्सपर्ट, डेटा एनालिस्ट, न्यूज एनालिस्ट, इलेक्शन एक्सपर्ट और IIT से पास आउट प्रोफेशनल्स की टीम संभाल रही है। जिस नेता को टिकट मिल गया है उसे गाइड किया जा रहा है कि प्रचार कैसे करना है, 24 घंटे काम करना है, इसलिए टीम के खाने और रहने का इंतजाम भी वॉर रूम में ही है। सिर्फ पार्टियां ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव के लिए इसी तरीके की हाईटेक तैयारी की है। पूरे राज्य के नाकों को पुलिस ने लाइव कनेक्ट किया है। अगर कोई गाड़ी ठीक से चेक नहीं की गई, तो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी को पता चल जाएगा। चेकिंग के लिए बनी हर टीम को स्पेशल कोड दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टियों और पुलिस के हाईटेक कंट्रोल रूम है। इतना ही नहीं, कुछ नेशनल और रीजनल चैनलों पर भी टीमें नजर बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपना वॉर रूम हॉस्पिटल रोड पर पार्टी के ऑफिस में बनाया है। वहीं बाहरी लोगों का एक्सेस ना के बराबर है। पार्टी के नेता इसे बहुत ही सीक्रेट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। पता चला है कि कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाने वाली टीम ही राजस्थान के वॉर रूम का जिम्मा संभाल रही है। कांग्रेस ने सेंट्रल वॉर रूम का चेयरमैन IAS ऑफिसर रहे शशिकांत सेंथिल को बनाया है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को कानूनी मदद के लिए कनेक्ट रूम में भी एक लीगल सेल बनाई है। नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को यहीं से लीगल हेल्प मिलेगी। वहीं प्रशासन ने चुनाव की घोषणा के बाद से ही मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। पहली बार 650 चेक पॉइंट की कोडिंग की है। हर पोस्ट को 8 डिजिट का यूनिक कोड दिया है। उस कोड से आसानी से अपनी टीम की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस को जज कर लेते हैं। कुछ इंचार्ज ऑफिसर्स की सीक्रेट डिटेल्स भी कोडिंग की है। लेकिन इन सभी के बीच कई सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं, प्रशासन भी पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन जब जनता के हक की बात आती है, जब लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, जब क्राइम होता है, तब इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं होती? क्यों इस तरीके के वॉर रूम हर राज्य में जनता की सुरक्षा के लिए नहीं बनाए जाते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो सभी के जहन में उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।